वोस्तु आचार्य श्री अनिल पहाड़े पैठड़ महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं कि कई लोग शरीर पर भगवान के गुरुदेव के आदि के टैटू लिखवाते हैं तो क्या यह उचित है लोग अपने शौक के लिए आनंद के लिए शरीर में भगवान का नाम जैसे श्री महावीराय नमा या गुरुवर का नाम या फिर ओम आदि भी बनवा लेते हैं देखिए शरीर में किसी प्रकार का छेदन भेदन नहीं होना चाहिए और ना इस प्रकार से कोई हमें लिखवाना चाहिए ये तो अभिनय है ही है और आपका स्वास्थ्य भी स्किन प्रॉब्लम आदि भी आपको हो सकती है और इसके अलावा लोग टी शर्ट आदि में भी जो पहनते हैं उसमें गुरुओं की फोटो या नाम आदि लगवा लेते हैं वह भी अभिनय का कारण होता है टी शर्ट नीचे फेंक देते हैं या कपड़ा साफ करते समय उसको साफ करते समय कितना अभिनय होता है तो इस प्रकार से कोई भी धार्मिक जो चीज़ें हैं उनको हमें ना शरीर में बनवाना है और ना ही कोई अपने पहनने वाले ओढ़ने वाले बिछाने वाले कपड़े आदि में पहन बनाना है ये जो है अभिनय है अनादर है ऐसा कार्य ना करें नवोस्तो आचार्य श्री सुमित जैन दुर्ग छत्तीसगढ़ से अपनी शंका रख रहे हैं क्या मोक्ष प्राप्ति के बाद वापस लौटना पड़ता है मोक्ष जहाँ मोह का क्षय हो जाता है उसे मोक्ष कहते हैं कर्म का बंद जब तक मोह है तब तक कर्म का बंद होता है जिसका स्थिति और भाग बंद बंदता है जब मोह का क्षय हो गया तो कर्म का बंद बंद हुआ और वह अब दोबारा कभी कर्म बंद नहीं ऐसे सिद्ध भगवान कभी भी संसार में आते नहीं हैं एक बार जो कर्मों का भी मोक्ष हो गया और आत्मा से भाव बंद का भी मोक्ष हो गया तो इस प्रकार से फिर आत्मा जो है संसार में दोबारा नहीं आती है एक बार जो भगवान बन गए वो पुनः इस शरीर को या इस संसार के की कीचड़ में जन्म नहीं लेते हैं नवोस्तु आचार्य श्री कुसुम जैन लखनऊ से अपनी शंका रख रही हैं कि मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए दिनचर्या कैसी होनी चाहिए मोक्ष सुख की इच्छुक लोगों को चाहिए कि वो अपने श्रावक धर्म का पालन करें षट कर्तव्य श्रावक धर्म होते हैं उनको पालन करें और अनुव्रतों को धारण करें जो इस प्रकार से पापों की निवृत्ति करते हैं जो पापों को क्षय करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं वही व्यक्ति आगे जाके मोक्ष सुख को प्राप्त करता है तो सर्वप्रथम हम पापों का एक देश रूप से त्याग करें हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इसी को आचर कहे हैं मूल गुण तीन मकार और पांच ओदम्बर का त्याग होना विष्णु का त्याग होना पांच अनुव्रतों का पालन होना यह हमारे मोक्ष का एक कदम है और इसके बाद महाव्रत आदि को धारण करते हैं फिर हमें परम सुख की प्राप्ति होती है छोटे छोटे नियमों को धारण करते जाओ ये नियम ही तुम्हारे एक दिन बड़े नियम बन जाएंगे आत्म शांति मिलती है परोपकार करने के भाव जीव दया के भाव अहिंसा के भाव और अपने आत्म ध्यान करने का जो भाव है पर भेद विज्ञान करने का जो एक कला है इस कला से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है बहुत स्वाध्याय करें अध्ययन करें और तत्व का निर्णय करें और जानें स्वरूप के बारे में तो जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है नवोस्तु आचार्य जैन मुंबई से अपनी शंका रख रहे हैं कि लक्षण पर्व में बहुत उपवास और तपस्या करते हैं तो इसकी सही विधि क्या है उपवास में तीन बातों को जरूर ध्यान रखना है उपवास कैसे किया जाता है चार प्रकार के आहार का त्याग करना आरंभ सारंभ का त्याग करना और कषाय का त्याग करना इसका नाम उपवास है हम चार प्रकार के आहार का भी त्याग नहीं करते हैं कोई निर्जल उपास तो करता नहीं है ये कासन उपवास करते हैं या कुछ लेकर के उपवास करते हैं चलो ठीक है जितनी आपकी शक्ति है पर उस दिन कषाय तो कम होना चाहिए क्रोध आदि कषाएँ राग आदि कषाएँ कम होना चाहिए आरंभ सारम्भ उपवास के दिन बहुत सारे ऐसे काम करना जिससे हिंसा आदि होती है तो उस कार्य को भी नहीं करना चाहिए लोग उपवास करते हैं और टीवी देखने बैठ जाते हैं मोबाइल में लगे रहते हैं टाइम पास करते रहते हैं वीडियो देखते रहते हैं कितना कर्म का बंद बांध रहे हैं एक तो आपने भोजन आदि का त्याग करके आपने अपनी इच्छा का निरोध किया तपस्या कर ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ पाप का कितना बंद कर रहे हैं उस दिन हमें इन इन वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए चैत्यालय में या एकांत स्थान में बैठ कर के बहुत स्वाध्याय करना चाहिए जापा माला करना चाहिए चिंत आत्मचिंतन करना चाहिए रात को भी जागृति बताई है कि जागरण करना चाहिए सहन नहीं करना चाहिए जिससे हम पाप में लिप्त ना हो पाए तो हमें पूरा उपवास का फल मिले उपवास आत्मा में जहाँ वास हो ऐसे कार्य करने का नाम उपवास कहलाता है तो हमें सिर्फ भोजन ही त्याग नहीं करना है कसाई भी त्याग करना है और शरीर और पर पदार्थ के प्रति ममत्व का परिणाम भी उस दिन त्याग करना है असली उपवास वही कहलाता है लक्षण पर्व आ रहा है आप सब लोग ऐसी तपस्या करें कि आपके कर्मों की निजरा हो सिर्फ टाइम पास करने के लिए नाम कमाने के लिए देखो मैंने दस उपास कर रहा हूँ दस लक्षणी कर रहा हूँ ऐसे कितने लोग होंगे इस प्रकार से करते हैं पर वो दिन भर पाप की क्रियाएं करते रहते हैं बहुत प्रवृत्ति करते रहते हैं गाड़ियों से यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है शांत स्वभाव से हमें उपवास करना और साधना करना है नवोस्तु आचार्य श्री पुष्पा जैन अमरावती से अपनी शंका रख रही हैं कि गोला तो अंदर से पोला भी होता है और अधिकांशतः अंदर से सड़ा भी होता है और क्या आगम में गोला चढ़ाने की बात आई है पूजा पाठ प्रतिष्ठा पाठ आदि में जब सामग्री चढ़ाने की बात आई है तो उसमें कहीं भी गोले चढ़ाने की बात नहीं आई है जिससे आप चटक बनाते हो वो गोला कहलाता है हाँ श्रीफल की बात आई है नारियल की बात आई है नारियल की बात आई है कि श्रीफल जो है जो जल से भरा हुआ है उस श्रीफल को चढ़ाने का जो है आगम में वर्णन मिलता है वो क्यों इसका कारण भी है श्रीफल जो है एक तो भरा हुआ है ऐसे हमें जो पुण्य की प्राप्ति हो वो खाली नहीं भरा हुआ पुण्य की प्राप्ति हो और जो भरा हुआ जल से होता है वो सड़ा नहीं होता है आप देखना जो जल से भरा हुआ नारियल होगा और पानी से लबालब भरा होगा वो सड़ा नहीं होगा पानी कम होते जाएगा कहीं से अंदर से गैस जाएगी तो वो सड़ने लगेगा तो उस श्रीफल को नहीं चढ़ाते हैं भरे हुए पानी से नारियल को श्री श्रीफल को चढ़ाते हैं अब जो गोला होता है वो सूख जाता है आप 10-15 गोले लेंगे उसमें चार पांच गोले जो हैं वो सड़े ही निकलते हैं और अंदर से पोली चीज खाली चीज जो है हम प्रभु को चढ़ाते नहीं हैं अंदर से जो सड़ी चीज हो बादाम भी हम बादाम को ऊपर की खोल निकाल करके जो गिरी है जो शुद्ध गिरी है उस गिरी को चढ़ाते हैं सूखी जो ऊपर की खोल है उसको नहीं चढ़ाते हैं तो इस प्रकार से जो आगम में कहीं भी गोला चढ़ाने की विधि नहीं मिली है और ना नाम मिले हैं हमें श्रीफल आदि चढ़ाना चाहिए सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय आगम धारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं जिसकी राशि एक दिन के लिए इक्कीस सौ रुपए और एक महीने के लिए ग्यारह हजार रुपये की राशि रखी गई है आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा जय जिनेंद्र।